एक परी थी जिसका नाम था शिखा। उसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकते थे और उसके पंख तितलियों से भी रंगीन थे। परी शिखा का काम था जंगल की रक्षा करना और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की मदद करना। एक दिन सुबह के वक्त जंगल में घूमते हुए परी शिखा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी बच्चे की रोने जैसी आवाज थी, परंतु बहुत ही धीमे से आवाज आ रही थी। शिखा इधर उधर देखने लगी। आवाज दूर से आ रही थी, घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से। परी शिखा पेड़ों पर चढ़ती हुई और झाड़ियों को हटाती हुई आवाज की तरफ जाने लगी। जंगल बहुत घना था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और जोर से। परी शिखा ने आवाज का पीछा किया तो वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। पेड़ के नीचे एक गहरी खाई थी जो काली और डरावनी लग रही थी। खाई के अंदर से ही वह रोने जैसी आवाज आ रही थी। परी शिखा डर रही थी, परंतु उसे लगा कि कोई बच्चा खाई में फंसा हुआ है। हिम्मत करके शिखा खाई के किनारे झुक गई। उसने नीचे देखा तो उसे वहाँ एक छोटी सी परी दिखाई दी। परी के पंख टूटे हुए थे और वह घायल थी। यह परी शिखा से भी छोटी थी और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। परी बहुत कमजोर थी और रो रही थी। परी शिखा को उस पर तरस आ गया। परी शिखा ने नीचे पूछा, तुम कौन हो और तुम खाई में कैसे गिरी? छोटी परी ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम परी इंदिरा है। मैं जंगल के उस पार के मैदानों में रहती हूँ। कल रात मैं उड़ रही थी कि अचानक एक काले बादल ने मुझे जकड़ लिया और मुझे यहाँ खाई में फेंक दिया। परी शिखा जानती थी कि काले बादल एक दुष्ट जादूगर की निशानी होते हैं। वह जादूगर अक्सर जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। परी शिखा ने कहा, चिंता मत करो परी इंदिरा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। लेकिन खाई बहुत गहरी थी और परी इंदिरा बहुत कमजोर थी। परी शिखा अकेले उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी, उसे किसी की मदद लेनी थी। तब परी शिखा को एक ख्याल आया। वह जल्दी से उड़कर जंगल के बाहर रहने वाले एक बूढ़े उल्लू के पास गई। बूढ़ा उल्लू जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। परी शिखा ने उसे पूरी कहानी बताई। उल्लू ने कहानी सुनकर कहा, यह तो जादूगर की ही करतूत है, हमें उसे रोकना होगा, पर सबसे पहले हमें परी इंदिरा को बाहर निकालना जरूरी है। उल्लू ने परी शिखा को एक लंबी लता लाने के लिए कहा। परी शिखा जल्दी से लता ले आई और उल्लू ने उसे खाई में डाल दिया। फिर छोटी परी इंदिरा लता पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई। परी इंदिरा को बाहर निकालने के बाद परी शिखा और उल्लू ने मिलकर जादूगर को रोकने की योजना बनाई। रात होते ही जादूगर काला बादल बनकर जंगल की तरफ आया। परी शिखा और उल्लू इस बार तैयार थे। उल्लू ने अपने तेज आंखों से जादूगर पर निशाना लगाया और परी शिखा ने अपने जादू से सूरज की रोशनी जैसी तेज रोशनी पैदा कर दी। जादूगर तेज रोशनी से चौंधा गया, काला बादल छंट गया और उसकी असली शक्ल सामने आ गई। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। उल्लू ने जोर से कहा, हमें पता है तुम कौन हो, तुम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर जादूगर गुस्से से बोला, यह जंगल मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा। तब परी शिखा ने कहा, नहीं, यह जंगल सबका है, यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतुओं का, तुम अकेले इसके मालिक नहीं हो। जादूगर उन पर जादू करने की कोशिश करने लगा, पर परी शिखा और उल्लू तैयार थे। उन्होंने मिलकर जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। जादूगर हार मान गया और जंगल से भाग गया। अगले दिन पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए थे और जानवर खुशी से इधर उधर खेल रहे थे। परी इंदिरा भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। परी शिखा ने छोटी परी इंदिरा को उसके घर वापस पहुंचा दिया। जाते वक्त छोटी परी इंदिरा ने परी शिखा को गले लगा लिया और धन्यवाद दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई परी शिखा, तुम सच में एक जादुई परी हो। तब परी शिखा मुस्कुराई और बोली, हर किसी के अंदर जादू होता है छोटी परी इंदिरा, बस उसे सही कामों के लिए इस्तेमाल करना होता है। इस तरह परी शिखा और उल्लू ने अपनी हिम्मत और बुद्धि से जंगल को बचा लिया।
जंगल में फिर से शांति छा गई और सभी जीव जंतु खुशी से रहने लगे।